अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच की स्पेशल शो के साथ मैं हूँ अरसलान खालिद। प्रोग्राम के आगाज़ में सभी देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का प्रोग्राम स्पेशल है। आज हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों में, जहाँ अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरान के साथ ईद का ये पूरा दिन मनाएंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे फौजी जवान हर वक्त तैयार रहते हैं वतन के दिफा के लिए, किस तरीके से दिफा को यकीनी बनाते हैं और शहादत के जज्बे से सरशार होकर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इनकी रूटीन क्या होती है, ख़ास तौर पर ईद का दिन किस तरह से मनाया जाता है, बड़े खाने के अहतमाम से लेकर दीगर तमाम तर एक्टिविटीज़ चीज़ें, वो आज के हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ये ईद पर बहुत सारे जो सवालात हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि हाल ही में सानिया 9 मई हुआ है, जिसके बाद से चाहे इस मखसूस सेक्टर में बसने वाले सिविलियंस हों, उन सिविलियंस के रिश्तेदार जो अफवाज पाकिस्तान में थे, जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, अपनी जानों का नजराना दिया और मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया, चाहे वो लोग हों चाहे हमारे फौजी जवान हों जिनके अपने साथी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर में शहादत नोश फरमाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो शहीद हो जाते हैं, यकीनन उनका दर्द उनके रिश्तेदारों, उनके साथियों, बाकी जवानों के दिलों में रहता है। बड़े अफसोस की बात है कि सानिया 9 मई हुआ और उसके बाद से बहुत सारे सवालात उठे। ख़ास तौर पर हमें जितनी दुखी शहदा की फैमिलीज़ नज़र आईं, और वो शहदा अफवाज पाकिस्तान के शहदा, वो शहदा जिन्होंने निशाने हैदर या दीगर एजाजात हासिल किए, वो तमाम सिविलियन शहदा, वो तमाम तर लोग बताते हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो रोए कि वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि उनके ख़ानदान में कोई शहीद है जिसने इस मुल्क के दिफा के लिए शहादत हासिल की है। और फिर जब उन्होंने वो मनाजिर देखे कि एक मखसूस टोला जो कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करना चाहता है, वो इस हद तक चला गया कि बाज नहीं आया कि शहदा की यादगारों पर भी हमलावर हो गए, वहाँ पर डंडे बरसाए, वहाँ पर तोड़ फोड़ की। यकीनन ये मनाजिर किसी शहीद की फैमिली पर बहुत मुश्किल थे, एक आम आदमी का दिल भी खून के आंसू रोया। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा एक बात की है और पाकिस्तान की अवाम ने भी हमेशा एक बात की है कि हम एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े होते हैं, और यही स्ट्रेंथ रही है पाकिस्तान की। 1965 की जंग की बात की जाए, पाकिस्तान की अवाम शाना बशाना खड़े थे, कोई और मौका हो पाकिस्तान की अवाम शाना बशाना खड़े होते, और दोनों इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अवाम ना हो तो यकीनन जो कामयाबियां माजी में पाकिस्तानी फ़ौज ने समेटी हैं या जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में समेटेंगे वो मुमकिन नहीं है। तो एक ख़ास एजेंडे के तहत एक तफरीक डाली गई, एक डिवाइड डाली गई जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई। एक कोशिश की गई कि शायद एक दरार आ जाए पाकिस्तान की अवाम और अफवाज के दरमियान, वो नहीं आई। मैं ये दिखाऊंगा आज के इस प्रोग्राम में, इस एक मुश्किल तरीन इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहां के लोगों का जज्बा क्या है, यहां के लोग किस तरह आज भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, किस तरह से वो गम गुस्सा रखते हैं कि शहदा की यादगारों की बेहरमतियाँ की गई हैं। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाएँगे, एक फ़ौजी की ज़िंदगी क्या है, अगले मोर्चों पर क्या है, किस तरह से यहाँ 24 घंटे वो मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहता है। और यकीन मानिए, जिसने भी ये कोशिश की या एक मखसूस तरीके से एक प्लानिंग के तहत एक काम किया गया, ना पाकिस्तान की अफवाज अवाम से दूर हुए, ना पाकिस्तान की अवाम अफवाज से दूर हुई, आज भी एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं और यकीनन शहादत के जज्बे से सरशार खड़े हैं। और अगर दुश्मन ने मैली निगाह से देखा तो यकीनन फ्रंट लाइन्स पर पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मैं आज के इस ईद स्पेशल प्रोग्राम में चाहूँगा कि ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाऊँ, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, बहुत लंबा सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी मज़ीद सफ़र हमें यहाँ से आगे मज़ीद अगले मोर्चों तक करना है। सफ़र का आगाज़ करते हैं। Tariq, thank you for having us. Bahut shukriya, thank you very much. Eid Mubarak. सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एक तो ईद का दिन है और आज का दिन हमने आपके साथ गुजारना है,
मुझे बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ प्लान है आज के लिए जो दिखा सकेंगे हम अपने व्यूवर्स को। जी अरसान साहब, हम ईद सुबह आगाज़ होता है फजर की नमाज़ से, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होती है, उसके बाद हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं। जो ट्रुप्स हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जिस जगह अभी आप खड़े हैं हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है, जो ट्रुप्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं उनके साथ ईद मिलते हैं हम सब जाके, सब ऑफिसर, सब JCOs। और दोपहर का जो लंच है वो हमारा एक इवेंट होता है जिसमें हम जो हमारी लोकल शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनको और जो हमारे ट्रुप्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं जितने, उन सब के साथ मिलके बड़ा खाना खाते हैं हम, तो वो आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपको आगे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर लेके चलेंगे जहाँ पे आप जो आगे हमारे बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे पोस्टें हैं और ट्रुप्स हैं एम्प्लॉयड जो हैं उनके साथ आप देख आपको दिखाएंगे कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करें। सर चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्लीज़ एक चीज़, अभी चूँकि ईद की बात थी और मैंने बहुत सारे साथियों से सुना है कि दुश्मन फ़ायदा उठाता है ख़ास तौर पर जो हमारे खुशी के त्यौहार होते हैं उन पर कोई ना कोई मस्ती करता है, तो व्हाट आर द चांसेस कोई इस तरह की सिचुएशन फिल वक्त तो नहीं है? जी बिल्कुल आपने ठीक सुना है अरसलान साहब। दुश्मन, क्योंकि हम सबको बहुत आइडिया है कि हमारा दुश्मन कितना मक्कार है, इस तरह की खुशी के मौक़ों पे दे आर ऑफ़ द व्यू कि शायद पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स जो हैं वो थोड़ी सी खुशी मनाने में ज़्यादा जुबिलेंट हो जाते हैं और अपने जो गार्ड्स हैं उनको लोअर कर देते हैं। हालांकि ऑन दी अदर हैंड दुश्मन की चालाकियाँ को देखते हुए, जो पुराने वक्तों में आपको भी पता है हमें भी पता है, ईद के त्यौहार पे और जो भी कोई खुशी का त्यौहार होता है उसके ऊपर जो नॉर्मल विजिलेंस लेवल होता है उस विजिलेंस लेवल से बहुत एडवांस्ड जो प्रोटेक्शन है वो होती है हमारी हर पोस्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग एवरी पोस्ट जो हमारी आगे ज़ीरो लाइन के ऊपर है, इंक्लूडिंग दिस पोस्ट जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं। तो वी आर रेडी, अगर वो ये समझता है कि हमारे गार्ड्स लोअर हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईद, तो वी आर रेडी। मुझे ये बताइएगा कि एक आम तासुर जो है, ये मैं वो चीज़ें जो इस वक्त मिथ्स हैं ना बहुत सारी बाहर जिनके बारे में बात होती है उस पर बात कर रहा हूँ, एक आम तासुर ये है कि जी अभी तो सीज़ फायर है तो अभी क्या फ़ौज रिलैक्सड हो जाती है, सो आई वॉन्ट यू टू टेल आवर व्यूवर्स कि ऐसा नहीं है, अलर्टनेस का लेवल सीज़ फायर हो या नहीं हो वो ही रहता है, वो ईद का मौका हो तो भी जवान ड्यूटी दे रहा होता है, ये तासुर ज़रा एक जो बाहर के कुछ चंद एक मखसूस लोगों में मैं चाहूँगा वो ज़ाहिल हो जाए, ज़रा इस पर रोशनी डाल। बिल्कुल तासुर की जहाँ तक आपने बात की अरसलान साहब, बिल्कुल ऐसे ही तासुर है, बट ऑन दी अदर हैंड जो रियलिटी है उसमें सीज़ फायर जब होता है तो हमारी एक सेट SOPs हैं जिनको हमने परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग का लेवल, उसके अंदर आपकी जो डिफेंस जिसके अंदर आप मोर्चों के अंदर रहते हैं उसकी राउंड द क्लॉक मेंटेनेंस, ठीक है, और जो आपकी स्नो सीज़न की तैयारी है क्योंकि यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे स्नो लाइन पे अभी हम खड़े हुए हैं तो स्नो यहाँ पे होती है तकरीबन 4 से 5 फुट, तो उसके लिहाज से जो हमारी तैयारियाँ हैं इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो सीज़ फायर के टाइम पे हमें वो सारा कुछ रिहर्स करने का और उसमें हमारे हर बंदे को, हर सोल्जर को एक्सेलेंस हासिल करने का मौका मिलता है। तो ये सीज़ फायर जो है ये तो हमारे लिए एक एसेट होता है हमारी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे फायरिंग स्टैंडर्ड्स, हमारी ट्रेनिंग, हमारी तमाम तरह की कॉन्टेजेंसीज को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ द टाइम, वो हम इस टाइम पर करते हैं। अच्छा, वैसे तो कल सब पूरे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं कर रहा है फॉर सर्टन रीज़न, ऑब्वियस रीज़न्स, इस पर्टिकुलर एरिया के चैलेंजेस कितने मुश्किल हैं, ये क्या एक बैटल हार्डन्ड एरिया है, बहुत दूर है, क्या मसाइल क्या हैं यहाँ के जो इसको ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं कंपैरेटिवली, या पूरी LOC इतनी मुश्किल है? रिलेटिवली अगर आप बात करें जिस जगह पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं इसकी अगर आप पर्टिकुलर बात करें तो क्योंकि आप ख़ुद भी अभी ट्रैवल करके आए हैं तो ये जो एरिया है वो बहुत दुश्वार गुजार है, मौसम की वजह से ये सारा कुछ और ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं। जो ट्रैक आपने देखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है आते हुए यहाँ तक पहुँचने में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप इमेजिन करें कि स्नो के टाइम पर कितना और ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड नीचे गिर जाता होगा। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी का है, तो एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती है ड्यूरिंग स्नो सीज़न, बट उसके लिए हमारे अपने मेयर्स हैं जो हमारी सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये वो टाइम है जब मुझे बताया गया है व्हाइल आई वाज कमिंग हियर
कि जो मुकामी लोग हैं उनके भी दो घर होते हैं, वो भी यहाँ जी नहीं रह पाते, सिर्फ अफवाजे पाकिस्तान यहाँ पर रहकर चाहे मौसम की जो भी सख्ती हो वो दिफा में मसरूफ रहती है, मुकामी लोगों का रहना भी यहाँ मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक सुना है असलान साहब, जो मकामी लोग हैं समर के सीज़न में जिस तरह अभी सीज़न चल रहा है इसमें क्योंकि मवेशियों के लिए चारा यहाँ पे बहुत वाफर मकदार में अवेलेबल होता है, तो लोग जो ट्रैवल करके स्नो के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो वो नीचे ट्रैवल कर जाते हैं अपने दूसरे वाले घर में विच इज़ अ विंटर हाउस, एंड जैसे ही समर आता है तो वो लोग दोबारा क्योंकि चारा मैंने आपको बताया मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से वो आ जाते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो थ्रू आउट द सीज़न यहाँ पे स्नो सीज़न में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, उनको सपोर्ट और उनकी मेडिकल देखभाल, उनको राशन वगैरह की फराहमी, उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्योंकि हमारी एक सेट SOPs हैं और हमारा ये सारा जो चेन जो मैंने आपको बताई ये चेन बहुत अच्छी डिफाइंड है, बट ऑन दी अदर हैंड जो सिविलियंस यहाँ पे उस मुश्किल हालात में रहते हैं उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम वी आर रियली प्लीज्ड कि हम उस टाइम के ऊपर जब जो फैमिलीज यहाँ से नहीं जा सकती हम उनको भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना हम अपनी पोस्ट्स को आगे जो हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उनको करते हैं। सर अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अफवाजे पाकिस्तान भी 75 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं और इस इलाके के लोग भी दे रहे हैं, वो सिविलियन कैपेसिटी में भी दे रहे हैं, वो फौज में अपने बच्चों को भेजकर भी शहादत उनके बच्चे हासिल कर रहे हैं। हाउ इज़ द बॉन्ड राइट नाउ जो कि यहाँ के अवाम का है और जो अफवाजे पाकिस्तान का है, और वो बड़े खाने पर हम देखेंगे भी, आई एम होपिंग हमारी सिविलियंस के साथ भी इंटरेक्शन हो। जी जी बिल्कुल, वो इस तरह से है कि हम हर त्यौहार पे, हर खुशी के रिलीजियस त्यौहार पे और हर एक मिलिट्री इवेंट के ऊपर जो लोकल शहदा की फैमिलीज़ हैं उनको हम लाजमी इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ मिलके वो खुशी सेलिब्रेट भी करते हैं, उनके मसले मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स जो उनको हमारी कैपेसिटी में रहते हुए जो हम उनको डील कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम अपने वसाइल में रहते हुए उनके सारे मसाइल जो विंटर्स की वजह से आते हैं या जो वैसे जनरली उनको जिनका वो सामना करते हैं उनको हम टैकल कर सकें। बॉन्ड की जहां तक आप बात करें, बॉन्ड माशाल्लाह दिस इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान आर्मी के जो आपके शहदा हैं उनके जो वारिस पीछे रह जाते हैं जिन्होंने जिनके प्यारों ने इस मुल्क की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी और अपनी जान कुर्बान की है वो हमारे साथ हर खुशी और गमी के मौके पे यकजा होते हैं। दिस इज़ अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर माय ट्रुप्स जो ट्रुप्स इन यूनिफॉर्म यहाँ पे हैं, एंड दैट इज़ आल्सो अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर दोज फैमिलीज़ जो यहाँ पे लोकल हमारी कम्युनिटी के अंदर रह रही हैं। दिस इज़ नॉट हैपनिंग ओनली इन माय यूनिट, ये हमारी पूरी मिलिट्री का कल्चर है कि जहाँ पे एक यूनिट डिप्लॉयड होती है वहाँ पे जितनी भी शोहदा की फैमिलीज़ होती हैं दे आर इन उनका एक प्रॉपर डाटाबेस बना होता है एंड दे ऑल आर इनवाइटेड, मतलब ये सिर्फ अभी मेरी यूनिट में इनवाइट नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप बातचीत भी करेंगे उनके साथ। सर पूरा ये दिन सब में बातचीत करनी है और जी जी भूख भी लग रही है, हमने बड़े खाने की तरफ भी पढ़ना है, एक चीज़ जान के फिर हम आगे सब कुछ ज़ाहिरा करते हैं देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ मिथ्स बर्स्ट हो जाएं, मोराल क्या है फौज का मुझे कोई डाउट नहीं है एब्सोल्युटली, बट सिर्फ जस्ट टू बर्स्ट द मिथ इस पे एक जुमला कह रहे हैं। असलान साहब मुराल इंशाल्लाह अभी आप आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे जाके खुद लाइव देखेंगे भी, सीइंग इज़ बिलीविंग। दूसरी बात यह है कि मुराल का जहाँ तक ताल्लुक है आपस में बॉन्डेज से मुराल बूस्ट होता है, आपकी कौम ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके हमें चुन के यहाँ बॉर्डर लाइन के ऊपर बिठाया हुआ है जीरो लाइन के ऊपर, एंड दे हैव द ट्रस्ट के जो पाकिस्तान आर्मी हमने आगे ट्रेन करके और बिठाई हुई है दे आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। तो ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के तवसुत से सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मोराल और ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से वी आर ऑलवेज रेडी 24/7, किसी त्यौहार का कोई हमारे पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके गार्ड्स लोअर कर लें, और मोराल हम आपस में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में जब हम सब मिल के बैठते हैं तो मोराल बूस्टिंग के लिए आपको यही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और हम आपस में एक दूसरे का मोराल बूस्ट करते हैं। चलें सर, बड़े खाने के मुतालिक बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, तो आज ये पहला मौका है कि मैं ऐसे ईद आपके दरमियान गुजार रहा हूँ, मेरे ख्याल से भूख भी लग रही है, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं तो बड़े खाने की तरफ बढ़ते।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा खाना तैयार है सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा ट्रेंड है बड़े खाने का असलान साहब, और बड़ा खाना हम हर ओकेजन के ऊपर, जो भी हमारा स्पेशल फेस्टिवल होता है, रिलीजियस फेस्टिवल और हमारी यूनिट का मिलिट्री फेस्टिवल, उसके ऊपर हम मिलके सब जवानों के साथ बड़ा खाना लाजमी होता है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुकामी लोग भी यहाँ पर मौजूद। ये हमारी ही शोहदा की फैमिलीज़ हैं जो यहीं पर डिफरेंट वॉर्स के अंदर जिनके प्यारे शहीद हुए इसी मुल्क के लिए, तो उनको भी हम हर त्यौहार पे, हर रिलीजियस इवेंट पे, हर यूनिट के इवेंट पे, हर मिलिट्री इवेंट पे लाजमी बुलाते हैं, ताकि वो सब लोग मिलके हमारे साथ खुशी का मौका जो है वो सेलिब्रेट करें। और ये है दोनों ईदों पर, बड़ी ईद और छोटी ईद पर। जी जी बिल्कुल, ये दोनों ईदों पे होता है, ईद उल फितर पे, ईद उल अज़हा पे, दोनों पे होता है। ये आगाज़ किया जाए मेरे ख्याल से, शुरू करें। प्लीज़ ये खाना स्टार्ट करें प्लीज़। बड़े खाने का एहतमाम किया गया था और बड़ा ये पुरतकल्लुफ खाना, मुकामी लोग जिस तरह से बताया गया यहाँ पर शामिल होते हैं, ख़ास तौर पर जो शोदा की फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर साथ मौजूद होती हैं, और बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, इस बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी शोदा की फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहूँगा ज़रा कुछ उनसे हम इंटरेक्ट करें, बात करें। हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम सर, मुबारक हो आपको। मुझे ये बताइएगा, जब हम यहाँ आ रहे थे और जितने मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे, एक बहुत बड़ा इलाका है, बुलंदोबांग पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ के मुकामी लोगों की क्या कुर्बानियाँ रही हैं इस वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए? यहाँ सर अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुश्किल इलाका है, LOC लाइन है, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ आर्मी की हमारे साथ बिलखसूसन बहुत यानी मदद है हमारे साथ आर्मी की बिलखसूसन। ये इलाका जो है ना, ये बैकवर्ड इलाका गाँव में बिल्कुल काट जाते हैं बर्फबारी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस हमारी फ़ौज के साथ जो है ना शाना बिशाना जो है ना हर वक्त यानी फ्री मेडिकल कैंप और भी कोई मुश्किलात डोजर या जो भी है ये हमारे साथ बड़ी मदद करते हैं। ये इलाका हमारा बिल्कुल कटा हुआ बैकवर्ड। मुझे ये बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द आपके ख़ानदान रिश्तेदारों दोस्तों में कितने लोग हैं जो शहादत यहाँ सर यहाँ से 65 में बहुत सारे हुए हैं, मैं तो बच्चा था, इससे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे 65, उसके बाद 71 में शहीद हुए थे, 92 में सर कुछ शहीद हुए थे, उनके कुछ वालदेन इधर मेरे साथ आए हुए हैं, तो वो बेचारे शहीद हो गए थे 92 में सर कुछ शहीद हुए, गोलाबारी आर्मी की इंडियन आर्मी की तरफ से हुई थी, तो हमारे वो शहीद हुए थे काफ़ी लोग। भाई सब यकीनन एक तो हकीकत है, मुसलमा हकीकत है कि जब जब दुश्मन ने मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान की आवाम चाहे वो इस एरिया में हो कहीं भी हो, वो फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं, शहादतें दी हैं, बिल्कुल शहादतें दी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा अब हम इस तरफ आएँ, जो अभी हाल ही में एक बड़ा ही स्याह दिन 9 मई का सर हुआ, 9 मई का एक वाकया हुआ है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि पाकिस्तान भर में जो शोदा हैं वो बड़ा फ़ख्र करते हैं, उनके रिश्तेदार दूर पार के रिश्तेदार भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके ख़ानदान में कोई शहीद है जिसने वतन की खातिर जान दी। ये जो कुछ 9 मई को हुआ और जो शोहदा की यादगारों के साथ किया गया, किस तरह आप लोगों ने देखा और महसूस किया जब अपने इर्द गिर्द इतनी शहादतें देखते हैं? ये सर हमने इंतहाई हरकत अच्छी नहीं हुई है, हमें इंतहाई अफसोस हुआ है, हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही जो है ना 9 मई का वाकया जो है ये गलत हुआ, जो उंगली उठी है ना इसकी पुरजोर हम अपील करते हैं इनसे, चीफ आर्मी स्टाफ से और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करके इनको सख्ती से सजा दी जाए, ताकि आइंदा बाद ये किसी तरह भी ये जो है ना उंगली ना उठाएँ। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर जितने भी आप इर्द गिर्द देखते होंगे सभी शोदा की फैमिलीज़ जो हैं, सब शोदा की फैमिली, उनको दिल दुखा होगा। जी जी बिल्कुल दुखा हो सर, हर आदमी का ये तो ऐसा दर्दनाक अलमनाक हादसा हुआ जो इन्होंने किया, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 75 साल से ज्यादा अरसा में मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, यहाँ सर सड़कें के मामलात हैं और बेशतर मसला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र हम शाना बशाना फौज आर्मी के साथ जिंदाबाद
पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके साथ हम रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी सर। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बहुत ही हमें इसकी मजम्मत करते हैं, जो ये 9 मई का वाकया हुआ ना, ये इनको सख्ती से, जिन लोगों ने ये ऐसा गलत काम किया, अल्लाह तबारक ताला करे कि इनको सजा मिले, आइंदा ये फौज की तरफ कभी मैली आँख से न देखे। मैं हाजी साहब आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, और ये जज्बा जब तक कायम है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हम आर्मी के साथ अल्लाह के फजल से शाना बशाना खड़े हैं, और आइंदा भी रहेगा जब तक हम जिंदगी है। फौज है तो हम है, फौज नहीं है तो हम भी नहीं है सर। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी तो इस बड़े खाने पर हम मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जो यहाँ पर लोग हैं शोदा के लवाकिन हैं, उनसे भी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। सादिक हुसैन साहब जो कि यूसी चेयरमैन हैं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। सादिक साहब कितने शोदा हैं आपके इर्द गिर्द, एक तो पूरी यूसी के हवाले से बताएँ या ख़ास तौर पर आपके अपने ख़ानदान में अजीज़ व अक़ारिब? सर यहाँ पे 1965 और 71 की जो जंगें हुई हैं, तो यहाँ तो अक्सरियत में ये हैं, तो गोला बारी भी हुई है दुश्मन की 90 से लेकर 92 से आप देखें तो उसमें भी शोदा काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं। तो मेरे ख़ानदान में भी तकरीबन काफ़ी सारे शोदा हैं जो आर्मी से हैं, और इस तरह भी बहुत सारे शोदा हैं जो दुश्मन की गोलाबारी से आप देखें, ये कश्मीर के अंदर भी अक्सर यहाँ पे जब भी फायर होता है तो उस वक्त भी कुर्बानियाँ लगती हैं, तो अबर हाल जंगों में भी हैं। मुझे ये बताइएगा, बातें करने वाले बहुत सारी बातें करते हैं फौज के हवाले से, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे सर, और जितना ये दुश्वार गुजार रास्ता है और हमने देखा, और आप लोग यहाँ बसते हैं और फौज यहाँ पर मोर्चा बंद रहती है, दिफा करती है, कितना मुश्किल काम है फौज का जो आप देखते हैं यहाँ पर सरहदों का दिफा करते हुए सर अंजाम देते हैं। सर यहाँ पे आर्मी को तो हम सलाम पेश करते हैं कि आर्मी ही एक अदारा है इस मुल्क का, ऐसा सा भी है, और मुल्क की हफाजत के लिए मामूर है। अगर आर्मी ना हो तो मेरा ख्याल है सिविलियन तो हमारी तो फिर कोई ज़िंदगी नहीं है। जब आर्मी दफा में बैठी हुई मुश्किल तरीन जगह जहाँ हम हैं, ये भी मुश्किल तरीन जगह है। लेकिन मैं साथी साहब ये चाहता हूँ ना कि ये जो पैगाम है, ये जो एक मखसूस टोला बैठ के फ़ौज की किरदार कुशी करता है या फ़ौज को बुरा कहता है या शोदा की यादगार को जलाता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आपके तो अपने ख़ानदान के शहीद हैं। सर मैं ये अर्ज़ करूँ कि मुल्क का शहीद, जो शहीद की जो मौत है वो कौम किया जाता है। बिलाशुबा एक शहीद जब अपनी जान का नजराना देता है तो वो हज़ारों जानें बचाता है। यानी एक शहीद होता है, उसके अपने बच्चे यतीम होते हैं, तो हज़ारों बच्चे जो हैं वो यतीम होने से बचते हैं। तो जो शहीद को, जिस तरह आपने सवाल किया, या मुल्क की आर्मी को टारगेट करे, तो वो टोला वो वफादार है मुल्क का। हम तो ये कहेंगे कि वो मुल्क का, अब दिल खून की आंसू होया होगा, बेशक सर। 9 मई का जो वाकया है सर, ये तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि यहाँ वहाँ शोदा की यादगारों को टारगेट किया गया। तो आप ही भी फैसला करें, हम भी ये देख रहे हैं कि जो शोदा की यादगार को टारगेट कर रहा है, या हमारे मेज़ार जो कायद हैं उन, या ये हमारे एयरबेस पे जा रहा है, तो वो मुल्क का तो किसी सूरत पर हम तो इसकी मजम्मत। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, ईद मुबारक आपके। बहुत ईद मुबारक। जी तो हम इस वक्त मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर, और एक और ये आम मुकाम यहाँ पर मेरे साथ मेजर तलाल मौजूद हैं। मेजर तलाल, ईद मुबारक कहूँगा सबसे पहले आपको। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और बड़ा ये अच्छा लग रहा है हम कि आज ईद का दिन हम आपके साथ गुजारें, तो मौसम यहाँ पर बड़ा अच्छा है, लेकिन इंतहाई दुशवार गुजार ये रास्ते हैं जो हमारा सफ़र रहा, और उसके बाद जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल टास्क जो आप सर अंजाम दे रहे हैं। हाउ इज़ द मोरल इस वक्त अफवाज पाकिस्तान? मोरल इज़ हाई एंड इट ऑलवेज़ विल रिमेन हाई। ये दुश्वार गुजार रास्ते हों चाहे जो मर्जी, जितनी मर्जी गहरी घाटियाँ हों, ये दे विल नॉट अफेक्ट अस। हमारा मोरल नीचे कभी जाता नहीं और ना कभी जाएगा, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर ईद पे मौके पे भी आ गए हैं, अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जवानों के साथ मोर्चों में बैठे हैं, ईद मना रहे हैं और अपनी कौम के लिए मना रहे हैं।
किसी और चीज़ के लिए नहीं। अच्छा, मैं देख रहा था कि बिल्कुल ये जिस तरह ईद यहाँ पर आपकी ईद भी लाइन ऑफ ड्यूटी पे है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ईद का दिन भी इसी तरह है, तो कितना याद आता है, मिस करते हैं पीछे घर वालों को, फैमिली को, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? डेफिनेटली फैमिलीज हमारे सबके पीछे हमें मिस करती हैं, हम भी उनको मिस करते हैं, बातचीत भी उनसे करते हैं, लेकिन ड्यूटी कम्स फर्स्ट। सबसे पहले ड्यूटी है, सबसे पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, और हमारी फैमिलीज को ये बात पता है। इसी बात की बेस पे हमें हमेशा हमारी फैमिलीज मोटिवेट ज़्यादा करती हैं कि जो काम आप कर रही हैं उसको करते रहें, और पूरी कौम की मोटिवेशन के साथ हम यहाँ खड़े होते हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की होम सिकनेस या किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होती। मुझे थोड़ा सा इस एरिए के बारे में बताइएगा, एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिवील नहीं यहाँ पर करना चाहते, बट जनरली टू अंडरस्टैंड द एरिया, क्या मामलात हैं यहाँ के और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, जितना आप समझते हैं कम्फर्टेबली यू कैन। बेसिकली जिस जगह पे हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, बिल्कुल हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ से आगे आपके एनिमी की साइड के ऊपर आप देखें तो एनिमी की डिप्लॉयमेंट्स और सब कुछ सामने सामने ही है। हमारी अपनी भी ये बहुत ही क्रिटिकली बहुत ख़ास जगह है जिसकी डिफेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कीपिंग दैट इन माइंड, हमारी डिप्लॉयमेंट्स कंप्लीट आगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हमारे सारे जवान आगे बैठे हुए हैं, डे नाइट की ड्यूटी है, कंप्लीट डिप्लॉयमेंट्स होती हैं इधर, या किसी एंगल से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ड्यूटी में कमी है या कुछ और, 24 आवर जॉब हर वक्त पूरे के पूरे साल में, चाहे समर हो, गर्मियां हो, सर्दियां हो, किसी किस्म का मौसम हो, बर्फ़ हो, बारिश, व्हाटएवर, हमने इधर ही खड़ा इस तरीके से होना होता है। बिकॉज इफ़ वी या हम किसी जगह पे कोताही कहीं हो तो हम दुश्मन को ये मौका भी देना नहीं चाहते कि किस तरीके से अपनी नापाक नज़रों से हमारी धरती को देख सके। अच्छा, एक जो आम तासर होता है कि अभी सीज़ फायर चल रहा है, तो वो होता है कि शायद कोई इतनी मसरूफियत नहीं है। मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसकी तस्दीक करें, क्योंकि अलर्टनेस का लेवल तो वो ही रहता है चाहे महीनों तक सीज़ फायर चल रहा है, यू ऑलवेज रिमेन प्रिपेयर्ड 24/7 कि कभी भी दुश्मन की तरफ से कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, तो रिलैक्स्ड वाला तो मामला नहीं होता ना, कि जी सीज़ फायर होता। अभी सीज़ फायर बेसिकली जो है वो एज़ पर दी अग्रीमेंट, उसमें जो कुछ सारे क्लॉजेज हैं वो पता ही हैं आप सबको। अब जिस टाइम के ऊपर हम एक्टिव वॉर के अंदर नहीं होते, ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, हम लड़ने अपनी जंग के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी हर एंगल से जवानों को, अपने डिफेंसिस को, अपने तमाम प्लान्स को हम सीधा कर रहे होते हैं कि जब कभी दुश्मन अगर ये मौका गलती से सोच ले तो उसको ऐसा जवाब दें कि ना सिर्फ उसके दांत, उसके नाक, हर जगह की हड्डी हम तोड़ सकें। मुझे ये बताइएगा फिर भी, जो आपके जो ड्यूटी आवर्स हैं उसके बाद ज़ाहिर आपका एक टाइम होता है जब आप ड्यूटी आवर्स ऑफ करते हैं, अब आप दूर हैं, डिसकनेक्टेड हैं, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ज़ाहिर उस हद तक नहीं, तो फिर किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ क्या इंगेजमेंट होती है, किस तरह से वक्त गुजारते हैं, किस तरह से अपने आप को मसरूफ रखते हैं? जी, हमारी जो यूनिट होती है बेसिकली हमारी फैमिली है। हम आर्मी के अंदर जब आते हैं, फौज में जब भर्ती होते हैं, तो उसके बाद हमारी एक नई फैमिली हमें दी जाती है, वो हमारी यूनिट कहलाती है। हमारे जवान, हमारे तमाम सरदार साहबान, हमारे तमाम जो लोग एफिलिएटेड होते हैं, हमारी यही फैमिली होती है। जब कभी इस जगह पे होते हैं जाके नॉर्मली लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत ही पड़ती है। यहाँ हम स्पोर्ट्स अपनी रखते हैं, अपने जवानों से हमारी गपशप होती है, हमारे डिफरेंट तरीके से और बहुत सारे तरीके हैं जिनके ऊपर हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, उनमें से एक चंद अभी आपको दिखाएंगे भी आगे इंशाल्लाह कि सम एक्टिविटीज़ जो कि हम किसी भी इलाके में हों रिक्रिएशनली तौर पे अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अपने जवानों के साथ करते हैं और खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो चूँकि अभी हम जब बड़े खाने पे थे और बहुत सारे सिविलियंस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पर बड़ी एक इमेंस सपोर्ट है आपको जो सिविलियंस की हासिल है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कितना ज़रूरी होता है इस सपोर्ट का होना भी, और ये कितना चार्ज रखता है आपको, जो लोकल्स आपके साथ खुशियों में भी शरीक हो रहे हैं और वैसे भी उनके अंदर एक जज्बा है शहादत का, और वो कहते हैं हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं, ये कितना मोटिवेट करता है और कितना मोटिवेशनल है? बहुत मोटिवेशनल है। जिन लोगों के लिए हम, जिनकी हिफाजत के लिए हम खड़े हुए हैं, जब वो हमारे साथ खड़े होते हैं, जब हमारे साथ शाना बशाना वो हमारे दिफा में मुल्क के साथ खड़े होते हैं, तो हमारा मोराल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो लोग हैं जो आपकी, जिनको अभी देखा है शहदा की फैमिली जो 1947 से लेकर आज तक कुर्बानियाँ दे रही हैं, कश्मीर के इलाके में खड़े हैं, इन लोगों ने और फौज ने मिलकर अपने खून से इस इलाके को, पूरे के पूरे खित्ते को, इसका दिफा किया। दीज आर दोज पीपल, ये वो शेर लोग हैं जिन्होंने अपने इस इलाके की हिफाजत की है दुश्मन के गंदे अजायम के खिलाफ। ये वो लोग हैं जब हमारे साथ खड़े होते हैं, इनके साथ फिर हम ये समझ लें कि पाक फौज पे एक सीधा पहला दीवार है, किसी की गोली तो क्या नज़र भी पार नहीं आ सकती। जी, तो हमारे साथ कैप्टन उबैद मौजूद हैं, और ये भी यकीनन यहाँ पर पाकिस्तान के दिफा के लिए
24 घंटे तैयार हैं। उबैद, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे बताइएगा कब से हैं उबैद आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे? यहाँ पे तकरीबन एक साल हो गए मुझे, और इससे पहले डिफरेंट और लोकेशंस पे सर्व किए, तकरीबन 7 ईयर्स मेरी सर्विस हो गई है, लेकिन यहाँ पे आए हुए हमें तकरीबन एक साल हो गया। एक साल हो गया, और कब तक आपने यहाँ रुकना है और फिर यहाँ से आपने मूव करना? एक स्टेशन पे मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स टेन्योर होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे मूव कर जाते हैं। तो ये चूँकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एक तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल है, बहुत दूर है मेन शहर से, मुख्तलिफ इलाकों से, तो कोई मुश्किलात यहाँ पर पेश आती हैं कि जब आप कट के घर से दूर, फिर बेसिक फैसिलिटीज से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में रह रहे होते हैं? नहीं, मुश्किलात तो देखें फ़ौज की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, चैलेंजेस डिफरेंट फेस करने पड़ते हैं, और इसी की हमें जो है ना ट्रेनिंग दी गई है, और हमें यही तो सेक्रीफाइस है जो हम दे रहे हैं इस कंट्री के लिए, और हमें फ़ख्र होता है कि हम यहाँ पर जो है ना इन सिचुएशंस में यहाँ पर हम मुल्क का दिफा करें, और हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पर। मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान आर्मी, उनका ख्वाब होता है वो फौज पाकिस्तान में आना चाहते हैं, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू देम, क्या कहेंगे उन्हें? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत वो जारी रखें, और जो उनमें जज्बा है और उसको जो है ना उस जज्बे को ऐसे ही बरकरार रखें और मेहनत करते रहें, और हमने भी ऐसे ही हमारे फ़ौज में आने से पहले यही जज्बा था, और ऐसे ही हमने जो है ना ISS भी दिया, ISS भी क्लियर किया, और आज को हम यहाँ पे जो है ना आपके सामने खड़े हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया उबैद, मैं नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। ये एक यंग कैप्टन है जी, और यही जज्बा मेरे ख्याल से तमाम अफवाज पाकिस्तान में आने वाले लोगों का है। ये आसान नहीं, एक बड़ी मुश्किल लाइफ ऑप्ट करते हैं, मुख्तलिफ मुश्किल पोस्टिंग्स पर रहते हैं, और यूँ मुल्क का दिफा करते हैं, और इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। जितनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं, और ये यहाँ सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं, तो जितना इनका अप्रिशिएट किया जाए, इनके जज्बे को सलाम किया जाए, मेरे ख्याल से वो उतना ही कम। जी तो नाज़रीन, ईद का आज ये दूसरा दिन है जो हम यहाँ LOC पर मना रहे हैं। हमने आपको दिखाया जिस तरह से वेलकम हुआ, उसके बाद बड़े खाने का इत्तमाम, फिर जो इस वक्त स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके हवाले से हमें ब्रीफ किया गया कि हम किस इलाके में, और फिर ये बड़ा ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ एक वॉलीबॉल का मैच जो हम यहाँ देखने में आए। ये रूटीन की एक्टिविटी है जो फारिग वक्त में यहाँ पर की जाती है, लेकिन चूँकि ईद का मौका तो ज़्यादा इंटेंस मैच होता है, और फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, कोई ना कोई एक प्राइज़ भी दिया जाता है, तो ज़रा इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। मेरे साथ अजमल मौजूद हैं। अजमल, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बहुत बहुत बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है, और ये इतनी जोश व जज्बे से हमेशा यहाँ पर खेलते हैं जी? इंशाल्लाह हमारा यही जोश व जज्बा होता है हमेशा ना, तो ये ईद के बारे से खुसूसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तकसीम इनामत भी हैं CO साहब की तरफ से, तो स्पेशल है। फिलहाल किसी की कोशिश यही होती है कि हम मैच जीतें, तो हमारी भी यही कोशिश है, तो इंशाल्लाह हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये टीम्स तब्दील करते रहते हैं या पक्की टीम्स हैं जिन्होंने खेलना? नहीं, ये तकरीबन जो टीम्स होती हैं ना, ये हमारी कंपनी बेस पे होती है ना, कंपनी वाइज टीमें होती हैं, तो ये तकरीबन एक कंपनी के जो मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, वो हाज़िर होते हैं ना, उन्हीं के दरमियान होता है कॉम्पटिशन। अच्छा, अब चूँकि ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर क्या वॉलीबॉल ही सिर्फ होती है या बाकी भी कुछ खेल? बाकी ये है कि इलाके की मुनासिबत से ना, अभी देखना कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है इतने ना हमारे पास, ज़्यादातर गहराई है, तो फिर इस वजह से ना वॉलीबॉल थोड़ा सा इजी होता है ना, कि शॉर्ट ग्राउंड होता है, छोटा ग्राउंड होता है, तो इस वजह से फिर ना वॉलीबॉल थोड़ा इजी होता है। बाकी एक हमारे डेकोरेशन रूम बने होते हैं, उसमें हमारे लिए कैरम, लूडो, टेबल टेनिस वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स होती हैं। तो आपकी पसंदीदा गेम जो मौजूद है यहाँ पर, उनमें कौन सी? सर, मेरी जो मौजूदा गेम है ना, इनमें एक वॉलीबॉल है और एक है टेबल टेनिस। और क्रिकेट देखते हैं TV पर? देखते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो उस वक्त क्या पूरी की पूरी कंपनीज का क्या जज्बा होता है अंदर उस वक्त मैच देख रहे हैं? जब तो होता है ना, अदर कंट्रीज के साथ होता है ना, तो फिर भी ये है कि हम बींग ए पाकिस्तानी, हमारा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान जीते, और हमारी दुआ भी यही होती है, हम दुआएँ भी यही करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैच जीते,
तो जब इंडिया के साथ होता है तो खुशूसी पे बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, नाड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा जज्बा हमारे एक माहौल होता है जी, माहौल होता है एक ना। अच्छा, अब ये चूँकि बड़ा डिसिप्लिन है फ़ौज का और बड़ा जाना जाता है फ़ौज, इस वजह से यहाँ पर जब आप खेल रहे होते हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों की तरह खेल रहे होते हैं, मेजर साहब भी खेल रहे हैं, कप्तान साहब भी खेल रहे हैं, हमारी एक फैमिली होती है ना, तो फैमिली में फिर सारे एक जैसे होते हैं, फिर उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि मेजर साहब हैं या सीओ साहब है, ये ठीक है उस वक्त ये तो नहीं होता ना कि मैं जानबूझ के नहीं, अच्छा खेलूं, नहीं नहीं हमें ये तरबियत नहीं दी जाती कि जानबूझ के ऐसा खेलना अच्छा खेलना है, हमें यही तरबियत दी जाती है कि ठीक है आपने डिसिप्लिन और जिस तरह हमारा तरीकाकार है, गेम है, गेम को गेम समझ के खेलना है। जज्बा कैसे आपके साथियों का इस वक्त, दुश्मन को देख के जैसा कि देख रहे हैं कि आपको तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी मिली हुई है जहां पर हमारा बुरा तरीन दुश्मन भारत बैठा हुआ है, कोई और बॉर्डर नहीं है। सर हमें फख्र है इस चीज़ पे कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने उन लोगों में चुना हुआ है कि जो मुल्क की सरहद पर खड़े हैं, मुल्क की हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए दो चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने मखसूस की हुई हैं, हम खुश नसीब है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके लिए हमें चुना है। अगर हम शहीद हो जाते हैं तो शहीद का तो मर्तबा सारी दुनिया को पता है कि शहीद का क्या मर्तबा है, और ये हकीकत दुनिया में ही क्या नाम है उसको बख्श देती है, जैसे वो क्या नाम है शहीद होता है उसी टाइम उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और मुझे यकीन है आपके तमाम साथी जब फौज में आते हैं तो जज्बा शहादत से आते हैं कि शहादत का रुतबा मिले, यही हमारा जज्बा होता है, इसी जज्बे के तहत सब आते हैं, और आपको देख रहे हैं हमारा जज्बा जो किस तरह खुशहाल है, किस तरह ईद को इन्जॉय कर रहे हैं हम, इस इलाके में मौजूद होने के बावजूद आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं। और जो आपने ख़ास तौर पर जज्बे शहादत की बात की और कि हर फौजी इस जज्बे से आता है फौज में कि उसको शहादत का रुतबा मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, और यही पाकिस्तान के दिफा की जमानत भी है मेरे, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से। मैं सलाम पेश करता हूँ जी यहाँ पर सभी लोगों को आपको, और जब तक आप मौजूद हैं, आप जैसे मौजूद हैं, तो हम चैन की नींद सोते रहेंगे, बिल्कुल सर, और हमें आप पर फख्र है सर। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए कीमती अपना वक्त निकाल के यहाँ पे लेके आए, आपने हमारे साथ ईद गुजारी है, हमारी ईद की खुशियाँ जो वो दुबला कर दी हैं, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी आपका सर बहुत शुक्रिया है कि आप पाकिस्तान आर्मी के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं यहाँ पे, तो सर बहुत अच्छा लगा है कि अपना ख्याल रखें और जल्दी से अपनी गेम एंजॉय करें, इससे पहले कि अभी बॉडी जो है वो उसकी वॉर्म खत्म हो जाए, ठंडी हो जाए, अपनी अपनी गेम को एंजॉय करें और गेम होता है जो हमारी ट्रेनिंग होता है वो इतनी जल्दी हमने बहुत शुक्रिया ठंडा नहीं होता, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया जहां पर फौजी जवानों की तरबियत का अमली मुजाहरा देखा। सीज फायर के बावजूद ये नौजवान अपनी तरबियती मशकें जारी रखते हैं और दुश्मन के किसी भी हमले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमें फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और नाकाबिले तस्खीर। जी तो नाज़रीन, ईद का आए ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ, इट इज़ ऑब्वियसली हमें ये फीलिंग आई कि यू आर स्टैंडिंग विद अस। वैसे भी आपने सारी एक्टिविटीज़ आज देखी, माशाल्लाह ईद हो या कौन सा भी त्यौहार हो, हमारा जो गार्ड है वो कभी भी नीचे नहीं आता और इंशाल्लाह कभी आएगा भी नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल कभी नहीं आएगा।
जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है वो भी आपने आगे पोस्ट के ऊपर भी देख ली, यहाँ पे भी आपने देख ली, जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव होगी। नीचे आने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और ये मैसेज भी अपनी कौम को देना चाहूँगा कि हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस फरीजे को सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। मुझे खुद फ़ख्र है इस फरीजे को सर अंजाम देने में और मेरे तमाम सिपाहियों को इस जॉब को पूरा करने के लिए वो फ़ख्र महसूस करते हैं। एंड मैं अपनी तमाम कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हम पे ट्रस्ट करें और सुकून की नींद सोएं, क्योंकि यहाँ हम बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। सर, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर स्पेंडिंग अ डे, और कोशिश रहेगी कि आइंदा आने वाली ईदों में भी हम एक आधा दिन ज़रूर आपके साथ गुजारा करें। बड़ा हमें अच्छा लगा, तसल्ली हुई और हमें आप पर फख्र है सर। मैं चाहूँगा कि इख्तिताम हम इस प्रोग्राम का पाकिस्तान के नारे से करें।